क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास, यहाँ पर देख सकते हैं कि CGPSC विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 आयोग द्वारा जारी मंडल उत्तर पर आधारित प्रश्न है, सेट डी का क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आया था इसको एक बार रट लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा देरी न करते हुए यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है, खराउत के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र के नाम से मिलता है। ये आपका बी आएगा, ईशान देव जी। ठीक है, CGPSC लेवल इंस्पेक्टर में पूछा गया था। अब देखते हैं कि सेकंड है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो देखिए, बस्तर की जो नल राजाओं की राजधानी थी आपका पुष्करी से संबंधित है। किससे? पुष्करी से। CGPSC 2022 में है। उसी प्रकार मिल कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यह आपका डी आ जाएगा, नारायणपुर जिले में। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किस कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है। तो आप सभी को मालूम है, अक्षांश रेखाएं एवं ऊंची आएगी। ठीक है, उसी प्रकार उस उद्योग का चयन करना है जो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक निवास प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, आंसर डी आएगा, आरा मशीन। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब देखते हैं कि उस उद्योग का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ के खनिज विकास निगम में केंद्र सरकार का निवेश कितने स्थायित रहा है। तीन में से कोई नहीं। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी का जो महत्वपूर्ण भूमिका है, आपका मुख्य सचिव। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो नीति निर्माण है उसमें मुख्य सचिव का है। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 में संस्कृत भाषा यानी कि सम्मान निम्न से किसे प्राप्त हुआ है। तो आपका तोय निधि वैष्णव। ठीक है, अब है, निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया गया था। ये देखिए, मनेंद्रगढ़, इसको याद रख लीजिएगा, मनेंद्रगढ़। ठीक है, अब है, छत्तीसगढ़ में महर्षि सिंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित। महर्षि सिंगी ऋषि का आश्रम आपका सिहावा पर्वत। ठीक है, अब है, 1962-63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था। यह आपका मैन पार्ट। ठीक है, उसी प्रकार ये आ जाएगा, निम्नलिखित जनउला का अर्थ क्या कहते हैं। अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, इसका अर्थ होता है आपका छेना यानी कि कंडा। ठीक है, घोटुल पाया जाता है यहाँ मुड़िया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अरुण नाय त्र्यंबक दापके को किस लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, कौन से सन में। तो ये आपका 2004 में। ठीक है, 2004 में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो आप बताएंगे बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में आ जाएगा बी। उसी प्रकार चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी? इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, रायपुर में। उसी प्रकार एक लामा लौह अयस्क परिसर कौन से जिले में स्थित है, आंसर डी हो जाएगा, कबीरधाम। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मिनी माता परियोजना है आपका, आंसर सी होगा, हसदेव नदी पर। ठीक है, ये आपका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। यह आपको कैसा लगता है तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।